अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। तो आज का प्लान किया था कि आज मेरी बहन के घर चलते हैं, खाना हम वहाँ जा के बनाएंगे और आज हम आपको दिखाएंगे कि मंडी कर रहे थे चीज़ों को, गैस बहुत बहुत कम। यहाँ पे फिर हमने बारबेक्यू की तैयारी स्टार्ट कर दी क्योंकि चावल हो चुके थे रेडी। फिर बारबेक्यू किया, उसमें हम लोगों ने चिकन लिया था और थोड़ा सा मटन लिया था और ये प्लेटर रेडी हो गया था। इसके साथ हमने सालसा बनाया था, टोमेटो चटनी जिसे कहते हैं, सैलड बनाया था। बच्चों ने बहुत खाया, बहुत खाया, माशाल्लाह से बहुत इंजॉय किया बच्चों ने। और वाकई उन्होंने बोला बहुत मज़े के चावल हैं और टेस्टी चावल हैं, जायकेदार जैसे बोलते हैं ना, वो थे। और ये साथ में सारी चीज़ें थी, बस हम लोगों ने खाना लगाया, फ़ौरन सा खाना खाया क्योंकि हम सब काफ़ी लेट हो चुके थे। ये बारबेक्यू, क्योंकि मंदी में बारबेक्यू ना हो तो मज़ा नहीं आता, बेशक आप उसमें जो मर्ज़ी ऐड अप कर लें। बस यहाँ पर फातिमा कार्टून्स देख रही थी और मैं उनकी वीडियो बना रही थी क्योंकि खाना वाना खा के हम लोग फ्री हो चुके हुए थे। बस फिर हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि काफ़ी लेट नाइट हो गया हुआ था। फिर मैंने बच्चों को बुलाया, बच्चे सुन नहीं रहे थे। फिर मैंने जाके देखा तो ये सब शरारतों में लगे हुए थे। इन सबको बुलाया मैंने, कहा चलें फिर। तो सब कहते हैं अभी थोड़ी देर रुक जाए, लेकिन काफ़ी लेट हो गया था तो हमें निकलना था। बस फिर हम लोगों ने सोचा कि टाटा बाय बाय करते और बस ये लोग हम अब जाने की तैयारी करते, बस ये हम लोग निकल गए गेट से बाहर। तो काफ़ी मज़ा आया था, बहुत मज़ा आया था। फातिमा अंदर से बाहर नहीं आ रही थी, फिर मैं फातिमा को रिटर्न लेने गई हूँ दोबारा से। बाकी बच्चों को भी बुलाया, मैंने कहा चलो निकलते हैं अब यहाँ से बाहर। काफ़ी मज़ा आया था, काफ़ी मज़े का टाइम था। और ये फिर हम लोग बाहर रास्ते पे आ गए थे और काफ़ी अच्छे घर बने हुए बैरिया टाउन में, काफ़ी अच्छे।
स्पेशियस घर हैं, बड़े घर हैं, और रोड्स बहुत नीट एंड क्लीन है। एटलीस्ट हमारे एरिया से तरफ कचरा नहीं पड़ा हुआ जगह जगह। लोग पता नहीं कचरा उठाते क्यों नहीं है, फेंक क्यों जाते हैं। काइंडली अपना कचरा उठाया करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।